डेवलपमेंट ऐसी चीज है जिसको नापा जा सकता है, मेजरेबल होती है। पहले क्या था अब क्या है, पहले गति कितनी थी अब गति कितनी है, पहले कहां पहुंचे थे अब कहां पहुंचे, इसका लेखा जोखा होता है। और ये उन राजनीतिक दलों को मंजूर नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पूरी राजनीति जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, बिरादरियों के आधार पर, अगड़े पिछड़ों के आधार पर, न जाने कितने टुकड़े समाज के करते रहे। और ये चालाक लोग क्या करते हैं, हर बार एक जाति समूह को एक ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि उस पूरे चुनाव में वो उसी के अंदर फंस जाता है और भावनावश वोट करने के लिए प्रेरित हो जाता है। दूसरा चुनाव आता है तो उस समाज को छोड़ करके एक दूसरे गुट को पकड़ लेते हैं, फिर उसको कोई नया लॉलीपॉप पकड़ा लेते हैं। आप पिछले 5 या 10 चुनावों का एनालिसिस कीजिए, इन लोगों ने हर बार एक नए समाज, नए समूह को कुछ न कुछ झूठे वादे पकड़ा दिए और चुनाव में जीतने के बाद उनका उपयोग करने के बाद भूल गए और दूसरे गुट को पकड़ने में लग जाते हैं। कोई इनकार कर सकता है कि भारत के राजनीतिक कल्चर की मुख्य धारा कांग्रेस के कुकर्मों और कांग्रेस के पाप से जुड़ी हुई है? कोई इनकार नहीं कर सकता। और दलों में भी अगर कुछ बुराई आई है तो उसके पीछे भी राजनीतिक कल्चर कांग्रेस की मुख्य धारा के कारण आई है। जब तक कांग्रेस कल्चर को मुख्य धारा से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, मैं नहीं मानता हूं कि हम देश में राजनीतिकरण का शुद्धिकरण कर पाएंगे।